गुड गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू आर अकेडमी नीट गाइज वेलकम टू मेधावी बैच मेधावी बैच में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स इलेवेंथ क्लास के डिटेल में कवर कर लिए हैं वी आर नाउ स्टार्टिंग मोर फॉलोजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विच इज़ अ व व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ इन द मंथ ऑफ अक्टोबर इट्सल्फ ये बैच शुरू हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए ठीक है इलेवेंथ को डिटेल में करते हुए हमने प्लांट प्लांट किंगडम से शुरू किया था तो वी हैव कंप्लीटेड प्लांट किंगडम सेल साइकिल वर्ल्ड अनाटमी और ये हमारा होगा पांचवा सब्जेक्ट पांचवा चैप्टर इस मंथ के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स सो फाइव चैप्टर इन अ मंथ वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड मॉर्फोलॉजी इस वीक के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा दैट मीन्स नवंबर फर्स्ट वीक से आई विल बी स्टार्टिंग विद सेल ओके सेल एंड सेल के बाद हम लोग जाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट करते हुए ताकि आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा कवर हो जाए और राइट गुड मॉर्निंग एवरी वन लेट एवरीबडी जॉइन लेट नो वी आर स्टार्टिंग एंड वी आर गोइंग इन डिटेल्स आई एम कोमल यादव एंड आई बी टेकिंग योर बॉटनी कोमिलीशन ऑन एन अकेडमी नीट दैट दैट इज यूट चैनल पे बेटा हमारा टाइमिंग रहता है सुबह साढ़े ग्यारह बजे इलेवन थर्टी ए एम और प्लस पे हमारा टाइमिंग रहता है 5 pm 5 pm is the time where i am taking plant physiology theek hai ठीक है आज ka transport and plants का plants ka chapter का चैप्टर पाँच बजे मैं aur कराऊंगी और उसके iske alawa इसके अलावा कल और आज अब आप देखोगे बेटा मेरी एक अन अकेडमी की प्रोफाइल है उस पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यू विल फाइंड ऑल माई क्लासेज सो एवरी डे मोरफॉलोजी का लेक्चर खत्म होते ही ठीक है हर रोज आई विल बी टेकिंग अराउंड थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स ऑफ क्लास ऑफ योर क्वेश्चन uh, या yeah, जो आपको डाउट्स हैं वो जैसे आप देख रहे हो ग्लास लिंक uh, है ऑलरेडी स्पेशल क्लास लिंक करी हुई है मैंने उस पर आप क्लिक करोगे ना यू विल गो टू टूडेज वन पी एम वाला जो क्लास है उसमें जाओगे डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उस टॉपिक के जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे ठीक है ऐसे ही रोज इस वीक ये होगा मॉर्फोलॉजी क्योंकि चैप्टर ही थोड़ा अजीब है Uh, थोड़ा एग्जाम्पल्स uh, ज्यादा है सो वी विल हैव टू जस्ट राइट एंड लर्न एंड राइट एंड लर्न तो उसके लिए बस मैं अपनी तरफ से इतना हेल्प कराना चाहती हूँ कि क्वेश्चन हम कर लें ताकि वो क्वेश्चन के तरीके से आपको एग्जाम्पल्स याद हो जाए ठीक है तो थ्योरी ऑन यूट्यूब एंड क्वेश्चन ऑन स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास कौन सी होगी वो आपके चैट बॉक्स में ऊपर पिन कर दी जाएगी कल लेकिन मैं दो क्लासेस और ले रही हूँ ध्यान रखिएगा कल स्पेशल क्लास पे फ्री क्लास पे इलेवें थर्टी नाइन नाइन पी एम एक क्लास होगी फ्री क्लास है यूट्यूब ये, ये के के पे भी कंप्लीट हो चुका है और प्लस पे भी कंप्लीट हो चुका है इसीलिए आई एम टेकिंग स्पेशल क्लास और फुल ट्वेल्थ सिलेबस ऑन अन अकेडमी लर्निंग एप टूमो एट नाइन ठीक है टुमारो एट नाइन सो मेक श्योर दैट यूर देर आवाज लो आ रही है बढ़ा देते हैं अभी ठीक है अभी ठीक होगा वो एक uh, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं इसलिए शायद हो रहा हो नाक वगैरह सब एकदम जुखाम हो गया है तुम लोगों को बोलती हूँ मैं ध्यान रखने को और मेरी ही बैंड बच जाती है चलो इसको फॉलो कर लेना यहाँ पे टेलीग्राम Uh, आपको सारे लिंक्स और पीडीएफ्स अपडेट कर दिए जाएंगे एंड प्लस वॉट यू गेट इज यू गेट लाइव क्लासेज टेस्ट वीकली टेस्ट अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डिंग एंड कोर्सेज प्रॉपर कोर्सेज है इसके अलावा अगर इफ यू वॉन्ट गाइडेंस तो स्टडी प्लानर स्टडी प्लानर स्टडी मटीरियल गाइडलाइन अनालिस एंड पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हो फॉर बोथ ऑफ दैम दिस वु बी दी अमाउंट ऑफ यू गो फॉर ट्वेल्व मंथस और मोर सिर्फ तीन हजार रुपए पर मंथ पड़ता है ठीक है कोमल लाइफ इज योर कोड आईकॉनिक में भी और प्लस में भी मेक श्योर दैट यू गो फॉर दिस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डू नॉट फॉर गेट मी क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेते टाइम में मैं आया आप कह रहे हैं कोड लगाया हमने किसी आके लगाया था कोड मार आगे वै ठीक है कोमल लाइफ कोड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड मोरफॉलोजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट रूट बच्चा स्टार्टिंग विध रूट क्या चाहिए एनसीआर टी एक नोट्स के लिए एक नोटबुक और एक आपकी पेंसिल पेपर और पेन शाबाश रेडी हो जाओ शुरू हा हा और धीरे आ जाओ और धीरे धीरे आ जाओ क्लास में टाइम पे थोड़ी आना होता है टाइम पे तो टीचर आता है बच्चे तो सुबह गया चलते चलते एक मिनट चश्मा गुम हो गया तबीयत खराब होगी तुम लोग क्या चाहते हो उससे उसके बाद भी क्लास ले रही हूं मैं है और वो भी टाइम पे आके तुम नहीं आ सकते टाइम पे चलो टॉकिंग अबाउट रूट वट एग्जैक्टली इज रूट हम ना मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट ओके मोर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स में इस टर्म का मतलब क्या है This means study of external features. Hmm. देखो इंटरनल फीचर्स का जो स्टडी था वो हमने ऑलरेडी करा अनाटमी में मैंने अनाटमी पहले इसलिए कराया आप देखोगे अभी रीजन व्हाई आई डिड अनाटमी फर्स्ट एंड देन मोर्फोलॉजी ठीक है बहुत सारे टर्म्स आएंगे क्योंकि अब आपके दिमाग में बड़ी अच्छे से क्लियर होगा अगर आपने मेरा अनाटमी का सेशन देखा है मेरा मैं एक वीक से ज्यादा एक चैप्टर के लिए आपसे कमिटमेंट मांगती ही नहीं हूँ। आई आस्क ओनली वीक कमिटमेंट पांच दिन आप अपने डेफिनेटली यू कैन आई नो यू कैन फाइंड आउट 5 डेज एट लीस्ट कि एक चैप्टर आप क्लैरिटी के साथ पढ़ लो अब मॉर्फोलॉजी को जब आप देखते हो मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें कि अगर मैं एक प्लांट बना दूं इफ आई ड्रॉ अ प्लांट लोअर अंडरग्राउंड पार्ट इज कॉल्ड रूट ये आएगा ठीक है एरियल प्लांट प्लांट पार्ट, पार्ट में क्या आ जाएगा स्टेम लीफ ये तीनों चीजें कहलाती है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ठीक है क्या कहलाएंगी ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट ठीक है अब आती है बात अलग इसके अलावा यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ फ्रूट यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ फ्लार फ्लार फ्रूट फ्रूट के अंदर आपको मिलेगा सीड The reproductive structures of a plant. You can see them properly. आपने देखे हुए हैं ना ये अनाटमी में जब मैं आपको पैरन कायमा बोल रही हूँ जाइलम बोल रही हूँ फ्लोएम बोल रही हूँ तो वो तो आपने देखा ही नहीं हुआ बेटा वो आपके इमेजिनेशन पे और मैं कितना आपको इमेजिन कर पा पा रही हूँ और कितने हम पिक्चर्स यूज कर पा रहे हैं उस पर चलती है बात आपने लेकिन रूट स्टेम फ्लावर फ्रूट सीड ये सब देखा हुआ है ठीक है तो मोर्फोलॉजी इज वेरी ईजी वेरी इजी इट्स जस्ट अबाउट ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू ठीक है बायोलॉजी बॉटनी का सबसे आसान चैप्टर है ये अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करना जानते हो किचन के अंदर गए हो चार चीजें अगर देखी भी है ना तो भी बड़े आराम से चैप्टर समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि जो भी मैं बोलूंगी ना एग्जाम्पल वो साइड में ही है घर में कहीं आसपास मिल जाएगा ठीक है सो वन बाय वन वील स्टार्ट विल स्टार्ट विद रूट ओके जनरल पॉइंट्स ऑफ रूट जनरल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी ऑब्वियस पॉइंट अबाउट रूट जैसे अगर अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट वेरी ऑब्वियस पॉइंट ठीक है सॉइल में रहता है बढ़िया दूसरी चीज इट हैज नोट नोड्स और इंटर नोट्स अब नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है स्टेम में इधर बना रहे हो थोड़ा दूर बना रहे हो ठीक है समझाना है ना आपको स्टेम में एक पॉइंट पे यहां पे पत्ता आता है और यहां पत्ता आता है जिस पॉइंट से लीफ ओरिजिनेट करता है उसको क्या बोलते हो नोड दिस इज कॉल्ड नोड ठीक है तो ये भी नोड हो गया बेटा और दो नोड्स के बीच का इज नोन एज इंटर इंटरनोड ठीक है द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड इज नोन एज इंटरनोड ये नोड नोड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं रूट में नहीं दीज आर सीन इन स्टेम बट आर एबसेंट इन रूट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस रूट को स्टेम से डिफ्रेंशिएट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटर नोट ठीक दो पॉइंट हुए थर्ड पॉइंट इट इज बिलो द ग्राउंड और बेटा ग्राउंड की तरफ ग्रो कर रहा है ना सो इट ग्रोस टूवर्ड्स द ग्रेविटी कहां ग्रो करता है टूवर्ड्स ग्रेविटी तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ठीक है जियोट्रॉपिक पॉजिटिवली पानी की तरफ ग्रो करेगा रूट पानी एब्जॉर्ब करना है उसको नेगेटिवली नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक लाइट के अगेंस्ट ग्रो करेगा लाइट के अगेंस्ट ग्रो करेगा पानी और ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा क्लियर यहां तक बचपन से पढ़े हुए पॉइंट से बता रही हूं ये चीजें पढ़ी हुई है ना पहले से एग्जैक्टली सिक्स पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जब सीड जर्मिनेट करती है जब सीड में से छोटा सा आपका एम्ब्रियो बाहर निकलता है ठीक है दिस टिप इज कॉल्ड एज रेडिकल ये रेडिकल आगे जाके पूरा का पूरा पार्ट रूट बनाता है तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेडिकल इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेडिकल लिख लिया यहां तक अब देखो ना ये सारे पॉइंट्स कुछ नया नहीं है बड़े ऑब्वियस से पॉइंट्स है इट इज नॉट समथिंग वेरी वेरी न्यू अ बेसिक जो हमेशा से पढ़ते आए हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप कभी भी सब्जेक्टिव आंसर लिखते टाइम मतलब स्कूल में या बोर्ड एग्जाम्स में आंसर लिखते टाइम आप ऑब्वियस पॉइंट्स नहीं भूल रहे हो क्योंकि ऑब्वियस पॉइंट्स विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर आंसर कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ जाती है जैसे तो पांच नंबर या चार नंबर या जो भी आपका स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी होता है तो अगर वो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के और ज्यादा नंबर के हैं तो ये ऑब्वियस पॉइंट आपके आंसर को थोड़ा लेंदी दिखाने में हेल्प करेगा ठीक है ना ऑब्वियस फंक्शन ऑफ रूट रूट का फंक्शन क्या है आर जनरल फंक्शंस ऑफ रूट रेडी पहला पॉइंट एंकरेज एंकर एंकर टूथपेस्ट आता था पहले पता नहीं तुम लोगों को याद भी है कि नहीं है पहले एक टूथपेस्ट का एड आता था एंकर का टूथपेस्ट ठीक है उसमें बना होता था एंकर इज दो जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना उसमे लोहे का बड़ा सा पार्ट होता है ताकि उसको रोक के रखे एक जगह पर राइट इट होल्ड्स द होल बिग शिप इन वन प्लेस ठीक है इन इट्स प्लेस तो किसी चीज को उसकी जगह पर पकड़ के रखना एंकर तो जो रूट्स है जड़े है वो प्लांट को उस पर्टिकुलर रीजन से बाइंड करके रखती है पकड़ के रखती है अंदर ठीक है दैट इज एंकरेज एंकर करके रखना रोक के रखना एक जगह पर प्लांट को गिर ना जाए ठीक है दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पानी जो है आपके पास मेन उसके एब्जॉर्प्शन के लिए रूट है रूट के ना ये दो मेन फंक्शन है बेटा दीस टू आर द मेन फंक्शन ऑफ रूट अपार्ट फ्रॉम दिस एन सीआरटी ने दो फंक्शन और बोल दिए है दिस इज गिवेन एन एनसीआरटी स्टोरेज एंड सिंथिस ऑफ प्लांट growth regulators प्लांट ग्रो ग्रोथ regulators जिनको आप पीजीआर भी बोलते हो शायद कुछ बच्चों ने नाम सुना हो शायद बोल रहे हो मैं ऑक्जिन्स साइटोकाइनिन क्योंकि स्कूल में अभी तक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक शायद आप लोग पहुंच चुके हो हम्म hmm. क्या ही नाम सुने आप लोगों ने ये देखो अंजलि बेटा अलग ही नशे चल रहे हैं स्टोरेज ऑफ सिंथेसिस नहीं स्टोरेज ऑफ पीजीआर नहीं सिंथेसिस ऑफ पीजीआर अबे आर दोनों मिला दियो दो पॉइंट मिला के एक पॉइंट बना दी स्टोरेज अलग चीज है स्टोरेज ऑफ फूड है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर है स्टोरेज ऑफ पीजीआर नहीं है कुछ भी कर देते हो कुछ भी कर देते हो ठीक है अब देखो क्या होता है जैसे हमारे अंदर हॉर्मोन्स होते हैं है ना उन्हीं के कंसंट्रेशन के बेसिस पे ज्यादा है कि कम है Uh, कब बन रहे हैं कौन से पार्ट में बन रहे हैं इफेक्ट किस पार्ट में आ रहा है सो अलॉट ऑफ वेरिएशन इज देयर सिमिलरली प्लांट के अंदर भी ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जिनका अप रेगुलेशन ज्यादा प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ठीक है अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाने में काम आता है तो ये तीन ये तो मेन फंक्शन है दीज टू आर ऑल्सो एडेड बाई एनसीआर तो यू विल राइट देम डाउन कि स्टोरेज में हेल्प करता है और उसके साथ साथ सिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के कौन है वो ऑक्सीजन साइटोकाइन जैसे कंपाउंड्स ठीक है क्लियर याद तक ना अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम रूट तो हो गया टाइप्स ऑफ रूट में हमारे पास दो या तीन सिस्टम आते हैं ब्रॉडली हमारे पास दो ही सिस्टम है ठीक है पहला सिस्टम है हमारे पास टैप रूट सिस्टम दूसरा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम लेकिन एनसीआरटी ने एक बीच में और बना दिया एंड दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम नाउ लुक एट दिस टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम ओके रूट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम अब सबसे सॉर्टेड वाले को देखेंगे सबसे पहले टैप रूट सिस्टम फर्स्ट दिस इज मेजरली सीन इन इन डाइकोट्स डाइकोट्स मेजरली सीन नाउ लुक एट दिस यहां डायको रेडिकल मैंने आपको कहा था ना रेडिकल से रूट बनता है तो रेडिकल जो था हमारे पास एम्ब्रियो का वो जस्ट इलाट कर जाता है बेटा बढ़ जाता है और लंबा होता चला जाता है एंड दैट फॉर्म्स द मेन रूट ये वाली ओके okay? इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट क्या बोला हमने इसको प्राइमरी रूट प्राइमरी रूट इज जस्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल रेडिकल लंबा होता चला गया और आपके लिए मेन प्राइमरी एक्सिस बनाता चला गया प्राइमरी ग्रोथ करता चला गया याद आया प्राइमरी ग्रोथ जस्ट एलोंगेशन <laughs> ठीक है एलोंगेट करता चला गया ठीक अब जैसे जैसे ये आगे जा रहा है ना साइड में रूट्स इमर्ज करेंगे लेट्रल रूट्स and if you remember anatomy that we have already studied on uh, in this batch medhavi batch mein hi anatomy mein humne padha tha ki jo lateral roots hai wo andar se aati hai steel se aati hai they arise from the internal parts almost pericycle से उसका origin होता है and these roots are known as secondary roots इनको हम कहते हैं सेकेंडरी और लेट्रल रूट्स विच अराइज फ्रॉम पेरीसाइकिल अंदर से आ रहे थे निकल के याद आया है ना इंटरनली दे आर कमिंग फॉरवर्ड और दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पेरीसाइकिल क्योंकि वो अंदर से ग्रो कर रहे हैं दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन लेटरल रूट्स आर एंडोजीनस इन ओरिजिन अंदर से बन के आएंगी इसके बाद फर्दर और डिविजन भी हो सकता है दैट विल बी नोन एज टर्जरी रूट एंड एंड सो सो बहुत ज्यादा जाल है लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि बीच में रेडिकल एलोंगेट करके मेन एक्सेस बना गया था प्राइमरी रूट बना गया था इतना काम तो हमारे पास हो गया वेरी बेसिक ठीक है अगर कोई रूट रेडिकल से ओरिजिनेट होती है तो दैट इज अ ट्रू नाइस रूट लेकिन अगर रूट रेडिकल से ना बन के किसी और प्लांट पार्ट से बन जाए तो उसको हम कहते हैं एडवांटेशस रूट रूट फॉर्म्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल रेडिकल को छोड़ के अगर किसी भी और प्लांट पार्ट से रूट बन रहा है तो दैट विल बी नोन एज एडवेंटेश रूट सिस्टम ठीक है प्राइमरी रूट अगर रेडिकल से बन रहा है रेडिकल एलोंगेट करता है प्राइमरी रूट बनाता है उसमें ब्रांचिंग आती है टैप रूट सिस्टम मोस्टली सीन इन डाइकॉप्स अगर रेडिकल बाई चांस डिजेनरेट हो गया खराब हो गया तो रूट हमें किसी और हिस्से से बनानी पड़ी एडवेंटेशियस रूट ठीक है कम्स फाइबरस रूट सिस्टम यह थोड़ा बीच में आ गया कहानी फाइबरस रूट सिस्टम यू फाइंड एन मोनोकॉस ग्रासस इसका फॉर्मेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और देखो क्या होता है ये मेरे पास ग्राउंड रेडिकल आया प्राइमरी रूट आई ठीक है रेडिकल इमर्जेस टू फॉर्म द प्राइमरी रूट प्राइमरी रूट बनती है ऊपर की तरफ पेड़ बनने लगता है ठीक है दिस इज द शूट वाला पार्ट समझे मेरी बात प्राइमरी रूट थोड़ा सा बना अब इसके बाद यह डिजनरेट कर जाएगा खत्म ठीक है डिजेनरेट कर जाता है और ये जो आपकी रूट है ना ये स्टेम वाला पार्ट यहां से शूट शुरू हो रहा था वहां से ऐसे बहुत सारे फाइबर्स निकल आते हैं रूट के फॉर्म में दोबारा प्राइमरी रूट दैट इज रेडिकल एलोंगेट्स टू फॉर्म द प्राइमरी रूट लेकिन छोटा सा बनता है और डीजेनरेट कर जाता है खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे स्टेम के बेस पे से एकदम से बहुत सारे रूट ऐसे गुच्छा आता है फाइब्रस रूट का तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये फाइबरस रूट सिस्टम भी एडवेंटेश रूट ही है क्योंकि ये पूरा रेडिकल से नहीं बना रेडिकल था लेकिन डीजेनरेट हो गया मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी रेडिकल ने कुछ बनाया ही नहीं रेडिकल ने प्राइमरी रूट बनाई थी लेकिन वो प्राइमरी रूट डीजेनरेट कर गई और उसके बाद एक गुच्छा आया है फाइबर्स का जो रूट के जैसे एक्ट कर रहा है ये ज्यादा डीप नहीं जाएंगे सॉयल में ये सरफेस पे ही रहेंगे आपको ग्रासेस में ज्यादातर दिखता है ठीक है एडवेंटे रूट का तो बहुत एग्जाम्पल है अभी आएंगे हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे I let, I let you know, each example. एक लिखना चाहो तो अभी लिख सकते हो जो आपको यहाँ बनाया हुआ है स्वीट पोटेटो और भी बहुत है और भी बहुत है बट लेट्स राइट अ फ्यू नेम्स इट सेल्फ टैप रूट बेसिक प्राइमरी रूट रेडिकल से इलांगेट कर जाता है टैप रूट

हाँ जी थोड़ा शांति रख लो भाई रुको जरा सबर करो चैप्टर की पहली क्लास में आखिरी चैप्टर का एंड का टॉपिक चाहिए तुमको अंग्रेजों अलग ही लॉजिक ना बता रही हूँ नीचे एडी में दिमाग कभी कभी तो तुम लोग कभी कभी के, 90 क्या नाइनटी परसेंट क्या चैप्टर क्या चल रहा है क्वेश्चन किसी और के पूछे जा रहे हो और स्पैम करे जा रहे हो तो दिमाग है भाई सो इंटेलिजेंट ओ माई गॉड भाई मैंने मोर्फोलॉजी क्लास में बायो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा तू देख बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट यू नो मैं आंसर ही नहीं कर रही टॉपिक पढ़ाना है ना कोई बच्चा आज से चार दिन बाद ही क्लास देखेगा तो उसको ये मिलना चाहिए मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए उसने कोई चैप्टर खोला है रिकॉर्डिंग खोला है चलो अब इस रूट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आता है ऑफ़ रूट, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मेरे साथ साथ आप ड्रॉ भी करोगे हेडिंग, ज़ोन्स ऑफ रूट जोन्स ऑफ रूट रूट का डायग्राम बनाते हैं बेसिक सा ठीक है और उसके आगे फिर उसकी लेबलिंग स्टार्ट करते हैं ओके जस्ट अ सिंपल रूट ठीक है लुकिंग एट दिस ये आपका ग्राउंड है बेटा ठीक, बॉडी के पास ये बात हम पहले भी कर चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह बहुत सारे चैप्टर्स में मैंने आपको ये समझाई है दोबारा एक बारी कोई भी स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी के मेन एक्सिस के पास है दैट इज नोन एज प्रोक्सिमल जैसे कि योर शोल्डर इज क्लोजर टू योर बॉडी तो हाथ का ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया ठीक है पी से प्रॉक्सिमल पी से पास फिंगर्स आर फार फ्रॉम योर बॉडी मेन एक्सेस से दूर है दिस इज द डिस्टल मोस्ट एंड ठीक है डिस्टल डी से डिस्टल डी से, से दूर ठीक ये मेरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है शूट के साथ ये सबसे दूर सो डिस्टल एंड डी से डिस्टल डी से, से, से दूर ये प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड क्लियर इज दिस क्लियर अच्छा ये तो बेसिक पॉइंट हुआ अब लेबल कर देते हूं चारों जोन और एक एक करके हर जोन की बात करेंगे यहां पे सबसे पहले आएगा द फर्स्ट जोन रूट कैप यहां पे ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये इस रीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है चाहो तो आप इसको यहां से इसको रबी कर दो ये वाला पार्ट। कैन रिमूव दिस पार्ट दिस इज सेकेंड पार्ट जोन्स ऑफ या जोन सो जो बोलो जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी जोन ऑफ इलाशन and एंड जोन मैचुरेशन लिख लो एक बारी फटाफट देन विल स्टार्ट लेबलिंग इट आउट रूट कैप की बात करेंगे सबसे पहले सबसे पहले द डिस्टल मोस्ट एंड पॉइंट नंबर वन रूट कैप रूट कैप सोच के सबको दिमाग में आता है कि सबसे एंड में डेड होगा नहीं इट्स लिविंग पॉइंट नंबर वन लिविंग किसका बना हुआ है पैरन कायमा पैरन कायमा इट इज मेड अप ऑफ पैरेंट काज लिविंग ठीक है अब क्या है ना ये सबसे आगे टिप पे लगाया हुआ है हमने और आपका रूट सॉइल में घुस रहा है देखो बेटा सॉइल बहुत ज्यादा रफ आप इमेजिन करो इफ यू डू दिस विद योर फिंगर और आप ऐसे ऐसे करते करते सॉइल के अंदर घुसते जाओ है ना ऐसे ऐसे करते 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 आप सॉइल के अंदर घुसते चले जाओ तो आपका ये सारा पार्ट छिल जाएगा एब्रेड हो जाएगा खराब हो जाएगा है ना चोट लगेगी यही यही काम किसके साथ हो सकता है यही चीज हो सकती है यही बात हो सकती है विद जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी तो उसने एक कवर लगाया कवर कैसा लगाया रूट कैप का कवर लगाया लिविंग पैरन का मैटिस टिश्यू है ज्यादा नहीं है तो ये भी धीरे धीरे डिजेनरेट होंगे लिविंग सेल ही है ना तो ये भी डिजेनरेट होगा इसका मतलब मुझे पीछे से फटाफट नए नए सेल्स बनाने पड़ेंगे तो रूट कैप रिजेनरेटेबल या रीजेनरेटेड लिख दोट इज रीजेनरेटेड अगेन एंड अगेन एंड द शेप इज थ जस्ट अ कैप लाइक कौन लाइक शेप है कवर करा हुआ है किसको कवर करा हुआ है जोन ऑफ मेस्टमैटिक एक्टिविटी को तो इसका काम क्या हो गया प्रोटेक्ट्स जोन ऑफ मेस्टमैटिक एक्टिविटी जोन ऑफ मेस्टमैटिक एक्टिविटी ठीक है अब बात आती है यहाँ कि लिविंग बनाने की क्या जरूरत थी डेड रख लेते हैं मैम डेड रख लेते काम आसान हो जाता हमारा है ना वट इज द रीजन फॉर मेकिंग द रूट कैप लिविंग ये अगर आपके पास रूट कैप है तो रूट कैप के पेरीफेरी के सेल्स होंगे बॉर्डर सेल्स पेरीफिर सेल्स ऑफ रूट कैप आर रिच इन ग्री बॉडीज। ग्लजरी बॉडी का एक फंक्शन होता है इट रिलीजेस ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइको लिपिड्स। ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड ये सिक्रीट करता है जब ये वो चीज सिक्रीट करता है तो आसपास का सॉइल जो है वो मॉइस्ट हो जाता है एंड इट बिकम्स इजी फॉर द रूट टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल ठीक है क्या कर रहे हैं इसके पेरीफेरी के सेल्स दे आर रिच इन गोल्जी दे आर रिलीजिंग ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन द सॉइल सिक्रीशन चल रहा है वो सिक्रीशन की वजह से सॉइल आसपास का थोड़ा मॉइस्ट होता है और रूट आराम से अंदर पेनिट्रेट कर पाती है

रूट कैप आपका डिजेनरेट भी होता रहता है और पीछे से बनता भी रहता है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रूट कैप इज वन वीक एवरेज बात कर रहे हैं ठीक है एवरेज बात कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्क्रू पाइन ऑल्सो नोनिफिकस में जो रूट कैप है ना इसके कुछ रूट हवा में आते हैं आर फॉर्मिंग इन एयर तो जब तक वो सॉइल को टच करता है ना जैसे ही वो सॉइल को टच करता है उससे पहले बहुत रूट कैप्स बन चुके होते हैं मान लो यहां पे है इसका नीचे का नॉर्मल रूट है यहां से आ रहा है ठीक है तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ ऐसे मल्टीपल रूट कैप्स बनते हैं इसमें क्योंकि रूट कैप हटेगा तब जब उसको फ्रिक्शन मिलेगा सॉइल का वो उसको मिल नहीं रहा पीछे से नए नए रूट कैप बनते जा रहे तो मल्टीपल रूट कैप्स आर सीन इन पैंडनिस ठीक है ये तो बात हुई सॉइल की ठीक है लेकिन हमारे पास आ जाता है एक्वेटिक कंडीशन एक्वेटिक कंडीशन सम ऑफ योर फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो पानी में तैरते हैं ठीक उनमें क्या होता है ना रूट कैप जो है वो रूट पॉकेट बन जाता है बेटा रूट पॉकेट्स दे कंटेन एयर ऐसे फूला हुआ गुब्बारा जैसा हो जाएगा तो ये किसमें हेल्प करेगा फ्लोट करने में है ना पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करेगा इट हेल्प्स इन फ्लोटेशन बट ये ध्यान रखना रूट पॉकेट्स और रूट पॉकेट्स कैन नॉट बी रीजेनरेटेड दीज आर नॉन रीजेनरेटेबल एक बार टूटा तो गया ये दोबारा नहीं बनेगा पानी वाला दोबारा नहीं बन रहा है ठीक है सो रूट पॉकेट्स आर नॉन री ठीक है रूट कैप समझ में आया बेटा रूट कैप कौन से एंड पे सबसे दूर द एट द डिस्टल मोस्ट एंड इट इज अ लिविंग टिश्यू व्हिच इज हेल्पिंग और प्रोटेक्टिंग द पारन सॉरी इट इज प्रोटेक्टिंग द मेरिस्टमैटिक जोन एंड इज रीजनरेटेड अगेन एंड अगेन इज माई पॉइंट क्लियर यहां तक हाँ जी ठीक इसके बाद हम आते हैं इससे ऊपर वाले जोन में द जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी ठीक है जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी ये हमने जो अभी यहां पे करा दैट वाज रूट कैप रूट कैप की बात करी ठीक है नेक्स्ट पेज पे ले जा रही हूं मैं जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी जोन ऑफ एक्टिविटी सेल्स आर मेरिस्टमैटिक सेल्स मेरिस्टमैटिक सेल्स मतलब इट हैज डिवाइडिंग सेल्स सेल्स जिनका क्या काम होता है बेटा डिवाइडिंग हमने कितने सारे पॉइंट्स लिखे थे पीछे अनाटमी में जब हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यू फर्स्ट क्लास में पढ़ा अनाटमी के राइट ऑल पॉइंट्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड हियर जैसे कि डिवाइडिंग सेल्स है दूसरा पॉइंट थ सेलवॉल क्योंकि जब कुछ साथ लेके ही नहीं जाना बाबा डिवाइड करना है तो स्टोरेज तो करेंगे ही नहीं हम तो सेलवॉल हमारा थिन रहेगा देर इज नो वैक्यूल नो सेकेंड्री मेटाबोलाइट्स नो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स Small in size, small size, compactly arranged, compactly arranged, <clears throat> no intercellular spaces, no intercellular spaces.

जब ज्यादा डिवाइड नहीं करना <coughs> तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं रखने कुछ स्टोरेज नहीं रखना कोई सेकेंडरी टिश्यू नहीं करना बार बार डिवाइड कर रहे तो छोटे साइज में साइज में खुद छोटे है क्योंकि साइटोप्लाज्म कम है थोड़ा जिसकी वजह से डेंस हो जाता है क्योंकि काम तो चल ही रहा है और न्यूक्लियस प्रोमोनेंटली उसी साइज का दिखाई देता है तो साइज ऑफ सेल के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस आपको बड़ा दिखाई देता है राइट right? और जल्दी 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 डिवाइड होने के चक्कर में बीच में कोई जगह भी नहीं है बड़ा कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर बन जाता है टिश्यू बन जाता है राइट इट इज इट इज जस्ट कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एंड एंड डिवाइडिंग डिवाइडिंग है लेकिन इमेजिन करो कि ये है वो आपके मेरिस्टोमैटिक सेल्स का एरिया ठीक है अभी पेरी फेरी पे कॉर्नर पे जो सेल है आप देखो Corner में जो डिवाइडिंग सेल्स हैं हैं सेल्स इनके सबके पास जगह है टू डिवाइड जस्ट बाहर जगह है टू डिवाइड जैसे मान लो नीचे की तरफ ये सेल दो में डिवाइड करता है तो ये सेल आगे जाके क्या बन जाएगा रूट कैप सेल ठीक है ये सेल डिवाइड किया ऊपर को इसने बना दिया जोन ऑफ एलोंगेशन का सेल जोन ऑफ एलोंगेशन का सेल बना दिया तो इन दोनों के पास तो जगह थी तो ये डिवाइड कर गए कॉर्नर्स पे है ना पेरीफेरी पे ऊपर वाला ऊपर की तरफ सेल बना दे रहा नीचे वाला नीचे की तरफ सेल बना दे रहा है लेकिन इस पूरे स्फेरिकल एरिया में इस पूरे गोल एरिया के अंदर इस पूरे जगह पे बीचों बीच कुछ सेल्स बैठे हैं जिनके पास जगह ही नहीं है टू डिवाइड यहां के सेल्स तो जस्ट बैठे ही हुए हैव एनी प्लेस टू डिवाइड जगह ही नहीं है साइड में भी सेल है ऊपर भी भी सेल सेल है है नीचे चारों तरफ सेल ही सेल है डिवाइड कहां करूं जगह ही नहीं है बस तो बैठे हैं बस सेल्स इन द सेंटर ऑफ द मेरिस्टमैटिक रीजन बिल्कुल बीच बीच दीज आर नोन एज दिस एरिया इज नोन एज क्वेसेंट सेंटर क्वेश्चन सेंटर इज द रीजन जहां पे है तो मेरिस्टमैटिक सेल्स बट फिलहाल के लिए डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि जगह नहीं है राइट क्वेश्चन सेंटर सेल्स कंटेन्स मेरिस्टमैटिक सेल्स इन सस्पेंडेड एनिमेशन सस्पेंडेड एनिमेशन मतलब थोड़ी देर के लिए हमने इसको इसी स्टेज में छोड़ दिया है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा उसके अंदर साइटोप्लाज्म कम है उसका साइज छोटा है और छोटा है ठीक है डीएनए आरएनए वगैरह काफी अमाउंट कम है इट इज जस्ट सिटिंग देयर वेटिंग की शायद कभी डिवाइड करने का मौका मिले तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा बीचों बीच बस मुझे बैठे रहना है दीज आर नोन एज क्वेश्चन सेंटर सेंस ठीक है जोन ऑफ मेरिस्टोमैटिक एक्टिविटी के अंदर बीचों बीच बैठे हुए सेल्स सेल्स आर नोन एज क्वेश्चन सेंटर ठीक बढ़िया कब डिवाइड करेंगे कोई तो कंडीशन होगी ना मैम जिसके लिए इनको रखा है नहीं तो नॉर्मल खाली ना रख दू मैं उस एरिया को सो देर इज अ कंडीशन व्हेन दे विल डिवाइड क्वेश्चन सेंटर सेल्स डिवाइड व्हेन पेरिफेरल Cells are damaged. When peripheral cells are damaged, अगर बायचानस सोच लो किसी वजह से चोट लग जाए और ये वाला पार्ट में आई लूज दिस पार्ट ऑफ द सेल ये रीजन किसी तरीके से खराब हो गया तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए बीच वाले सेल्स डिवाइड करेंगे वापस इतना बना देंगे फिर बैठ जाएंगे बनाएंगे फिर बैठ जाएंगे फिर बना देंगे साइड का फिर बैठ जाएंगे राइट सो दे आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड ओनली टू रिप्लेनिश पेरिफेरल सेल्स अदरवाइज दे विल जस्ट कीप ऑन सिटिंग इन द कॉर्नर ठीक है क्लियर यहां तक जी नॉट फेज का देखो अब सुनो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन सेंटर सेल मैम पूरे प्लांट के अंदर सिर्फ यही जी नॉट फेज में नहीं अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है और जिंदा है नॉर्मल पैरन कायमा इज ऑल्सो इन जी नॉट फेज कॉलन कायमा इज ऑल्सो इन जी नॉट फेज स्कलैरन कायमा नहीं क्योंकि स्कलरन कायमा डेड है

Sense. ठीक है बेटा अब देखो पीछे दो जोन रह गए मेरे पास जोन ऑफ एलोंगेशन रह गया और जोन ऑफ मैचुरेशन रह गया दोनों को एक ही पेज पे लिख रही हूं मैं जोन ऑफ एलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन आई एम लेफ्ट विद चलिए एक जगह अरे यार यहां लिख रही हूं बेटा मैं अरे ऐसा कैसे हो मेरे पास पेज है मेरे पास पेज है मेरे पास पेज नो वी हैव सम प्लेस समर नहीं है भाई आगे लिखना पड़ेगा जस्ट गिव मी वन मोमेंट हाँ चलो आई जस्ट इट हियर ओनली चलिए वरना फिर तुम्हारे नोट्स में नहीं आएगा बेटा वो गड़बड़ हो जाएगी ओके okay. तो ये दोनों रीजन हो गए लेट्स टॉक अबाउट अरे चपक दर्क जोन ऑफ एलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन थर्ड जोन ऑफ एलोंगेशन जोन ऑफ एलोंगेशन के अंदर सेल्स क्या करते हैं दे मिच्योर एंड दे बिकम परमानेंट डिवाइडिंग से वो परमानेंट टिश्यू हो जा रहा है परमानेंट टिश्यू क्या करता है अंदर वैक्यूल एलोंगेट करा देता है प्लांट के पास तो मान के चलो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है सेल का शेप चेंज करने के लिए वैक्यूल वैक्यूल बिकम्स एलोंगेटेड ठीक है वैक्यूल गेट्स 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 सो द द सेल और पूरा रीजन पूरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा चीज करते टाइम जोन ऑफ एलोंगेशन एक काम और करेगा इट इज इन्वॉल्व इट इज इन्वॉल्व इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल और एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब बाई यूजिंग एनर्जी और वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज होगी ऑब्वियसली तो बहुत कम अमाउंट है वेरी लेस अमाउंट ऑफ वॉटर एंड मिनरल इज एब्सॉर्ब फ्रॉम जोन ऑफ एलोंगेशन काफी कम अमाउंट आएगा ज्यादातर एब्जॉपन कहां से होने वाला है फ्रॉम द फोर्थ जोन दट इज जोन ऑफ मैच्यूरेशन जोन ऑफ मैच्यूरेशन shows maximum absorption of water and minerals. Maximum absorption of water and minerals. ठीक है, सबसे ज्यादा कैसे हो रहा है यहाँ पे? क्यों हो रहा है? Because इसी zone के अंदर आपको मिलेंगे lateral roots. तो सरफेस एरिया बढ़ता है लेटरल रूट्स और रूट हेयर। लेटरल रूट्स अंदर से आते हैं पेरिसाइकल से आते हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकल। ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकल, अंदर टिश्यू दैट इज वाई दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन They are endogenous इन ओरिजिन रूट hair फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल्स दैट इज वाई इट इज exogenous. Exogenous इन ओरिजिन ठीक है इट इज एक्जोजिनस क्योंकि वो सिर्फ सरफेस से आ रहा है जोन ऑफ इलोंगेशन एक्टिव एब्सॉर्पन में काम आएगा और जोन ऑफ मैचन मैक्सिमम एब्जॉर्न के काम आता है जिसमें एंडोजीनस ओरिजन है लेटर रूट का और एक्सोजिनस ओरिजन है रूट हेयर का रूट हेयर इज यूजली एक सिंगल सेल का इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल सो इट इज यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम नहीं स्ट्रक्चर एक सेल का स्ट्रक्चर है बेटा ऑर्गेनिज्म नहीं है ऑर्गेनिज्म अलग रहेगा ये पूरे पेड़ में एक सेल है जो एक्सटेंडेड है इसलिए यूनिसेल्युलर बोल रहे यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच ठीक है क्लियर बच्चा ट जोन ऑफ रूट और जोन ऑफ रूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ रूट ये इसमें एक क्वेश्चन बड़ा और पूछते हैं रेडी एनसीआरटी के साथ साथ मेरे को बताना ओके okay. एक न्यू विंग राइट आई लास्क यूर क्वेश्चन अब देखो ये प्रोक्सीमल एंड है दिस इज द प्रोक्मल एंड एंड दिस इज द डिस्टल एंड अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टल मोस्ट एंड पे कौन सा सेक्शन है विच जोन इज प्रेजेंट एट द डिस्टल मोस्ट एंड तो आंसर क्या होगा डिस्क्रिप्शन जल्दी से कमेंट सेक्शन विच इज द डिस्टल मोस्ट एंड डिस्टल मोस्ट एंड पे कौन सा जोन है रूट कैप परफेक्ट रूट कैप इज द फर्स्ट जोन लिखा ना वन रूट कैप इज डिस्टिल मोस्ट फिर प्रोक्सीमल टू रूट कैप रूट कैप के इधर वाला साइड प्रॉक्सिमल कौन है रूट कैप के प्रोजिमल हुआ जोन ऑफ मेस्टमैटिक एक्टिविटी ठीक है जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी के प्रोक्सीमल कौन है जोन ऑफ मेस्टमैटिक एक्टिविटी के प्रोक्सीमल कौन है जोन ऑफ एलोंगेशन जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी के डिस्टल कौन है रूट कैप हा जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी के प्रोक्सिमल कौन सा जोन हो गया जोन ऑफ एलोंगेशन डिस्टल कौन हो गया रूट कैप ना अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन जोन ऑफ एलोंगेशन के प्रोक्सिमल कौन है जोन ऑफ एलोंगेशन के प्रोक्सिमल विच जोन जोन ऑफ मैचुरेशन अरे यार डाक कर गया क्या ओके जोन ऑफ एलोंगेशन के अप्रॉक्सिमेट कौन हुआ जोन ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन और डिस्टिटल कौन हुआ जोन ऑफ मेरिस्टोमैटिक एक्टिविटी ठीक है हाँ परफेक्ट नाउ वी मूव टू टाइप्स ऑफ रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट दिस इज वेरी इजी ये आप एक ही टेबल पे लिखोगे क्योंकि ऑब्वियसली आपको डायग्राम नहीं बनाना है डायग्राम इज फॉर योर रेफरेंस मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहला आएगा फॉर स्टोरेज स्टोरेज ऑफ फूड ठीक है स्टोरेज ऑफ फूड में अलग अलग शेप ले लेता है शेप क्या ये तीन शेप दिख रहे हैं आपको स्टोरेज में तीन डिफरेंट शेप्स आर फॉर्म्ड, कोनिकल कोन जैसा ऊपर से ब्रॉड नीचे से नारो ठीक है कैरेट फ्यूजी फॉर्म ऊपर से नैरो बीच से मोटा फिर नारो आपको कभी कभी ऐसे भी दिखेगा नापी फॉर्म लट्टू जैसा टॉप शेप लट्टू लट्टू कैसा होता है ऊपर से एकदम ब्रॉड और नीचे से नारू टर्निप या ये तो अब पता है सिर्फ नाम एग्जाम्पल नाम एग्जाम्पल नाम एग्जाम्पल आएगा ठीक है तो आप लोग चाहे इतना सारा ड्रॉ मत करना यह तो ऑब्वियसली ड्रॉ करना है अब सिर्फ नाम एग्जाम्पल नाम एग्जाम्पल लिखेंगे ठीक है नेम फंक्शन एग्जाम्पल नेम फंक्शन एग्जाम्पल स्टोरेज फंक्शन एग्जाम्पल ठीक है राइट लास्ट नेक्स्ट ज सेकेंड लुक इिस नॉड्यूलेटेड नॉड्यूलेटेड रूट्स नॉड्यूलेटेड रूट नॉड्यूल्स का प्रेजेंस दिख रहा है आप देख सकते हो बल्बस बल्बस का इस बल्बस स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलता है राइजोबियम एंड राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन तो इन रूट्स का काम क्या हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में मिलेगा इन लेग्यूम्स पल्सिस पी बीन सोयाबीन वगैरह 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 ठीक है नॉड्यूलेटेड नेक्स्ट थर्ड रेस्पिरेटरी रूट्स पानी भरा हुआ पूरे में नीचे सॉइल ऐसा है पानी एक एक कोने में पानी भरा हुआ है नीचे सांस नहीं आ रही पानी, उसको पेड़ को तो उसके रूट नीचे फैलने की जगह ऊपर निकल आते प्लांट टैप रूट इंस्टेड ऑफ गोइंग नीचे मोडिफाइज टू स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द सर्फिस ठीक है ये इसका जो एक स्ट्रक्चर है ना इसको हम कहते हैं न्यूमेटो फोर नुमार्टो फोर फोर का मतलब होता है स्टॉक न्यूमैटो फोर अगर इसको मैग्निफाई कर ना बेटा बाहर तो लुक एट दिस दिस इज द स्ट्रक्चर ओके दिस इज न्यूमेटो फोर और इसमें ना छेद दिखेंगे आपको यू विल फाइंड स्मॉल पोर्स थ्रू विच गैशियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस इस पोर को हम कहते हैं न्यूमैटो फोड्स हेल्प इन गैशियस एक्सचेंज सांस लेने की मदद करेगा आप देखो इस पर छोटा छोटा व्हाइट 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 रीजन दिख रहा है आपको ठीक है इट इज काइंड ऑफ लाइक एन ओपनिंग योर राइट सो स्टॉक जो हुई दिस होल स्ट्रक्चर इज न्यूमैटो फोर फोर का मतलब होता है स्टॉक डंडी निमेटो फोर और उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं थ्रू विच एक्सचेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस न्यूमेटो थोड्स ठीक है एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी रूट्स एग्जाम्पल राइजो राइजो रूट ठीक है ग्राउंड वाला पार्ट फोरा स्टॉक्स स्टॉक्स ऑफ रूट आर कमिंग आउट मैंग्रोव है कहा मिलेगा मार्शियरियज पानी वॉटर लॉग्ड सॉइल पानी भरा पूरा ठीक है नेक्स्ट अगेन स्टोरेज कौन सा नंबर हो गया फोर्थ ये जो पहला वाला स्टोरेज था ना बेटा दिस दिस वाज स्टोरेज इन टैप रूट ओनली टैप रूट का ही स्टोरेज है मॉडिफाइड वर्जन है तीनों ये नहीं स्वीट पोटैटो इज एडवेंटिश दिस इज टैप रूट दिस इज टैप रूट इसलिए मैं स्वीट पोटैटो का एग्जांपल आगे ले रही हूं ठीक है आई एम टेकिंग स्वीट पोटैटो एज एन एग्जाम्पल हियर लुक एट दिस ये स्टेम है स्टेम पे एक पॉइंट है जहां से पत्ता आ रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं नोड अभी स्टार्टिंग में बताया ठीक है ये जो नोड है इससे ऊपर की तरफ तो पत्ता आया और नीचे की तरफ एक ऐसा ट्यूबर जैसा स्ट्रक्चर आया सिर्फ एक अकेला हर नोड पे एक है, है ना हर नोड पे एक है ट्यूबरस एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो लेकिन इसको देखो फैसिक्यूलेटेड एग्जाम्पल दहलिया एक पॉइंट से बंच आ रहा है पूरा पूरा गुच्छा आ रहा है एक ही पॉइंट पे एक पॉइंट पे एक नोट पे बंच ऑफ ट्यूबरस रूट्स ठीक है बंच ऑफ ट्यूबरस रूट्स मिलेगा डेहलिया और डेहलिया के अंदर ये रूट्स ना रिप्रोडक्टिव भी हैं। अगर आप इसको अंडरग्राउंड छोड़ दोगे अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे तो बाद में खुद ही स्प्राउट कर जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी काम आ जाते हैं इसके रूट्स तो जैसे आपने सुना होगा ना कि रो, रो, रोज के हम स्टेम के कटिंग्स लगाते हैं उसके प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे ही हम इसका रूट रूट लगाते हैं डहलिया का रूट कैन बी यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप नहीं भी कट करोगे तब भी वो खुद ही स्प्राउट कर जाएगा ठीक है दिस इज वन नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉप रूट्स प्रॉप रूट्स क्यों बनाए फॉर सपोर्ट ऑफ हैवी हेवी ब्रांचेस सपोर्ट किसका एरियल ब्रांचेस का किसमें एग्जाम्पल पानियन ट्री बैनियन ट्री के ब्रांचेस बहुत हेवी हो जाते हैं तो हवा से ही उनके स्टेम से रूट आता है और फिर जड़ बन जाता है इतना स्ट्रॉन्ग कि ये अपना वेस्क्यूलर सिस्टम भी डेवलप कर देगा जाइलम फ्लोएम भी बना लेता है तो पूरा कंडक्शन रूट जैसा शुरू कर देता है ये ठीक है अब आप देखो ये रूट्स रेडिकल से नहीं आए हैं ये रूट्स स्टेम से ओरिजिनेट हुए हैं इसका मतलब दीज आर आल्सो एडवेंटिशियस रूट These are also adventitious roots. तो जब तक आपको डेफिनेशन याद रहेगी ना बेटा जब तक आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रहेगा आप कंफ्यूज नहीं हो गए क्योंकि एक ही चीज को आप चार अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो ना सो बैनियन ट्री एग्जाम्पल प्रॉप रूट्स फॉर सपोर्टिंग इट्स हेवी बिग ब्रांचेस ऐसे एक और एग्जाम्पल आता है स्टिल्ट स्टिल्ड रूट्स स्टिल्ड रूट्स या टेंट रूट्स सीन इन शुगर केन मेज देखो प्लांट की ना हाइट बहुत बड़ी है शुगर केन या मेज आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो गर्ट्स में ये ग्रो नहीं होता क्योंकि दोनों मोनोकोट्स है वो अनाटवी पहले पढ़ाया दोनों मोनोकोट्स है ठीक है अब दोनों मोनोकॉट है तो दोनों के पास फाइब्रस रूट है ओके नॉर्मल रूट लेकिन ये जो हाइट है प्राइमरी रूट प्राइमरी प्लांट की वो इतनी लंबी हो जाती है अब इसको सपोर्ट कैसे करेंगे ना ये तो नीचे अब नीचे नहीं गिराना है इसको तो हम क्या करते हैं इसके लोएस्ट नोड ये नोड है इसका पहला यहां से एडवेंटेश रूट ले आते हैं देखो नोड से एडवेंटेश रूट आने शुरू हो गए ताकि ज्यादा सपोर्ट क्रिएट कर सके तो अगेन फंक्शन ऑफ स्टिल रूट सपोर्ट ठीक है क्या मिल गया सपोर्ट मिल गया ठीक है नेक्स्ट सेवेंथ पोलियर लीफ पे पत्ते पे रूट आ रहा है ठीक है रूट एपी मीन्स अब फाइलिस मार्जिन पे बर्ड आता है देखो ये पूरा इसे टूट के गिर जाएगा और नया पेड़ बन जाएगा छोटे छोटे बर्ड आ रहे हैं ऑन द पेरीफ्री मार्जिन ऑफ द ऑफ द लीफ ठीक है नॉर्मल नेचुरल प्रोपगेशन में आ जाएगा क्लियर गुड नेक्स्ट एपीफाइलिस अगला <coughs> hmm, क्या लिखा था यहां पे मैंने सेवन एट एपीफाइटिक रूट्स अब देखो एपीफाइल और फाइटिक अलग है बेटा फाइलस ये वाला फाइटिक रूट एपिफाइट्स कौन होते हैं सम ऑफ देम सारे नहीं कुछ एपीफाइट्स एपीफाइट्स वो होते हैं जो सपोर्ट लेते हैं होस्ट से सपोर्ट फ्रॉम होस्ट पानी और नरिशमेंट और खाना उससे नहीं ले रहे खाना पानी नहीं ले रहे सिर्फ जगह चाहिए रहने को ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं एपिफाइट्स। वी ओनली वॉन्ट सपोर्ट फ्रॉम द पेड़ होस्ट। उससे नरिशमेंट नहीं लेंगे उससे पानी नहीं लेंगे पानी और नरिशमेंट हम हवा से उठाने वाले ठीक है तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टे ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लांट ये मेरा होस्ट है पीछे और इस होस्ट से मुझे सिर्फ जगह चाहिए मुझे उससे खाना पानी नहीं चाहिए खाना पानी मैं हवा से खुद उठाऊंगी आई एम नॉट अ पैरासाइट ठीक है दिस प्लांट इज नॉट अ पैरासाइट दिस इज एन एपिफाइट तो एपिफाइटिक रूट बोल रहे हैं एपिफाइटिक रूट्स के अंदर स्पेशली ऑर्किड्स के अंदर आपको ये व्हाइट कलर का टिश्यू दिखेगा डू यू सी दिस वाइट कलर टिश्यू हियर इस वाइट कलर के टिश्यू को हम कहते हैं वेलमिन वेलमिन इज अ स्पोंजी White इट tissue that absorbs moisture. तो हवा में ही जो न्यूट्रंस और पानी और सब कुछ है ना मॉइस्चर है उधर से ही एब्सॉर्ब कर लेगा बस उससे ज्यादा नहीं तो दो तरीके एक तो पकड़ा हुआ है इसने होल्ड करा हुआ है और ये व्हाइट कलर के रूट्स एयर से मॉइस्चर उठा लेंगे दे आर नॉट गोइंग टू हार्म द होस्ट होस्ट को हार्म नहीं हो रहा है होस्ट से ऐसा नहीं कि उसके ऊपर पैरासाइट जैसे बैठे हम ठीक है दीज आर एपीफाइटिक रूट्स और राइट दीज आर एपीफाइटिक रूट्स क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट देखो कोई ऑप्शन एट आ गया एट नाइन कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स क्रोकसन केसर केसर के, के नीचे स्टेम का एक मॉडिफिकेशन होता है कॉर्म उसके नीचे होते हैं ये रूट्स जितना ये रूट फैला हुआ है ना अनफेवरेबल कंडीशन आई अगर तो ये फट से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है इट इज इट हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेवेंटी टू एट्टी परसेंट अंडर अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कोई रूट अगर बन गया ना स्ट्रक्चर तो यूजुअली वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता उतना ही रह जाएगा आगे नहीं ग्रो करेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता यह कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है इट कॉन्ट्रैक्ट बैक ठीक है सो दैट इज सीन इन कॉन्ट्रैक्टर रूट आर सीन इन क्रोकस दैट इज सैफर क्वेश्चन देन दें फ्लोटिंग रूट्स फ्लोटिंग रूट्स किस में मिलेंगे हाइड्रोफाइट्स फ्लोटिंग इड्रोफाइड्स एग्जाम्पल देखो पूरा नीचे फाइब्रस सा एयर भरा हुआ जिस फॉर इट्स फ्लोटेशन हेल्प्स इन इट फ्लोटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड नहीं बना रहे हम नहीं तो नीचे जाएगा ठीक है वी हैव टू मेक इट बाइंड्स सी थोड़ा ज्यादा मेंटेन करना है उसमें एरन कायमा ज्यादा होगा एरन कायमा इज पैरन कायमा विच होल्ड एयर इन इट तो हेल्प्स इन फ्लोटेशन ठीक है अगला इलेवन हॉस्टोरियल रूट्स, हॉस्टोरियल और पैरासिटिक रूट्स अंदर घुस जाता है रूट देखो यहां से एंट्री मारा अंदर ठीक है दो में डिवाइड किया अंदर घुस गया अंदर स्टेम के अंदर देखोगे तो आपको बाहर से अंदर जाता हुआ दिखाई देगा ये यह यहां जाके प्लग बना देता है फॉर्म्स अ प्लग और ये प्लग क्या करेगा सारा नरिशमेंट जाइलम और फ्लोएम से उठा लेगा खाना पानी सारा ले जा रहा है वो बेचारा अपना स्टेम में कंडक्शन कर रहा था ये जाइलम फ्लोएम तक अंदर गया और सारा खाना उससे खींच लाया एग्जाम्पल क्लासिक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े plants होते हैं उन पे से से noodles जैसे येलो -येलो कलर का कुछ लटक रहा होता है, और अमरबेल एंड इट इज लीफलेस पैरासाइट लीफ नहीं है कुछ नहीं बनाता अपना बोला सब मैं खा जाऊंगा दूसरे से लेके पैरासाइट कुछ काम खुद नहीं करना आप देखो कलर भी येलो है ग्रीन भी नहीं है कि फोटोसिंथसिस थोड़ा सा. थोड़ा सा नहीं कर रहा सब पूरा उस पर डिपेंडेंट है ठीक है नेक्स्ट ट्वेल्थ ये मनी प्लांट है इसमें दो तरीके के रूट्स आपको मिलेंगे ठीक है वी हैव टू टाइप्स ऑफ रूट एक आता है क्लिंगिंग रूट्स क्लिंगिंग रूट्स किसके लिए चाहिए सपोर्ट के लिए चाहिए ठीक है ज्यादा पंगा नहीं सिर्फ पेड़ जैसे वो स्पाइडर मैन जब वो दीवार पे चढ़ता है वो जाला नहीं दीवार पे चढ़ता है तो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के उसके हाथ से स्पाइक से आते हैं है ऐसा नहीं कि अंदर घुस जाएगा नरिशमेंट लेके आएगा इट इज जस्ट टू होल्ड द प्लांट ठीक है होल्डिंग द प्लांट एग्जाम्पल सपोर्ट में आ रहा है इसमें काफी सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे फाइकस प्यूमिला मनी प्लांट वगैरह में मिलेगा लेकिन एक और मिलता है मनी प्लांट में विच इज इन द वाइल्ड मनी प्लांट दैट वी फाइंड इज रूट थॉन्स रूट थॉन्स आर ऑल्सो सीन इन मनी प्लांट एंड दैट इज फॉर डिफेंस डिफेंस अगेंस्ट और ठीक है एग्जाम्पल द वाइल्ड मनी प्लांट दैट वी हैव पोथोस Are are क्या कर रहे अब देखो पेड़ के नीचे ट्रक पे ऐसे लिपटा होता है आपके पास मनी प्लांट या उस पर चढ़ रहा होगा है ना जो मेन मेन पेड़ का बड़े वाले पत्ते हैं वो तो ऊपर है तो हर भी उनको तो खाएगा नहीं इसको खा जाएगा है कि नहीं ऊपर वाले को तो नहीं खा रहा है लेकिन इसको खा सकता है नीचे तो इसको अपना प्रोटेक्शन डेवलप करना पड़ेगा तो ये क्या करता है रूट्स जो इसके पास यहां है ना इनमें से कुछ कुछ रूट्स को ये जैसा बना देता है, वो रूट कोई खाएगा नहीं इसको, तो ये बच गया है। तो टू होल्ड ऑन टू प्लांट एंड अवॉइड हर्बीवरी ठीक है डिफेंस के लिए अगला कितने हो गए थे यहां थर्टीन फोर्टीन ग्रीन एसिविलिट्री रूट्स एसिविलेटरी रूट्स आर ग्रीन एन कलर एग्जांपल ट्रापा एंटीनोस्पोरा टीनोस्पोरा गिलोई सुना होगा आपने नाम ट्रापा वाटर चेस्टनट ग्रीन कलर के रूट्स होते हैं क्योंकि पानी में ऊपर ऊपर ही है ग्रीन कलर रूट्स सो दे परफॉर्म फोटोसिंथेटिक रूट्स रूट्स को फोटोसिंथेटिक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नीचे है बट ये नीचे है ही नहीं ऊपर है तो कर लेगा क्या जा रहा है ठीक है सो another example. This दिस इज overview ऑफ today's चैप्टर जो हमने कवर किया है आज जनरल फीचर अराइजेस फ्रॉम रेडिकल नो नोड्स इंटरनोड्स अंडरग्राउंड ग्रीन ठीक है चार पॉइंट वन टू थ्री फोर फंक्शन एंकरेज सिंथेसिस ऑफ पीजीआर स्टोरेज भी हो सकता है बट हमने वो डिस्टल मोस्ट एंड एंड दिस इज द प्रोजिमल ठीक है ये प्रोक्सिमल में आ जाएगा फिर टाइप्स ऑफ रूट टैपरूट फाइब्रस एडवेंटेश के अंदर स्टोरेज रेस्पिरेशन नॉड्यूलेटेड स्टोरेज में आ जाता है कॉनिकल कोनिकल में आ जाएगा कैरेट इसमें आ जाएगा टर्निप इधर आ जाएगा हमारे पास ओ नापी फॉर्म में आएगा हमारे पास रेडिश रेडिश टर्निप ठीक है रेस्पिरेटरी रूट्स, यू हैव एन एग्जांपल ऑफ न्यूमैटोफोर्स नॉड्यूलेटेड रूट्स, लेग्यूम्स में मिलेगा स्टोरेज में ट्यूबरस रूट आएगा एडवेंटिशियस में स्वीट पोटैटो एग्जाम्पल लिखते चलोगे आप ये टेबल अपने चाहे तो नोट्स में बना सकते हो सपोर्ट में स्टिल शुगर केन आपको लिखने हैं शुगर केन मेज रूट्स बैनियन ट्री क्लाइंबिंग रूट्स विच कैन हेल्प इन क्लाइंबिंग और क्लिंगिंग चढ़ जाएगा ऊपर तक ठीक है फिर आएगा एपीफाइलिस जो आपके पास लीफ के ऊपर था एपीफाइटिक वेलम के साथ ऑर्किड्स के अंदर एसिमिलेटरी टीनोस्पोरा में फ्लोटिंग रूट जशिया हॉस्टोरियल रूट पैरासिटिक हॉस्टोरियल इज नथिंग बट पैरासिटिक नैरासिटिक रूट्रेक्टल रूट ठीक है सो द होल चैप्टर होल लेक्चर इन वन सिंगल गो दिस इज वॉट एग्जैक्टली योर रूट का पूरा रिविजन सही एक बजे आई एम गोइंग टू टेक ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑफ दिस सेम टॉपिक अभी लिंक ऑलरेडी चैट में मैंने लिंक कर दिया है आई विल सी यू इन क्लास उस पर क्लिक करके आ जाना दिस इज द द्लेस वे फाइनडीएफ आज के लेक्चर का भी और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनका भी लिंक में शेयर कर दूंगी मैं जस्ट अभी प्लस पे आपको सारे लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्सेज वगैरह सब कुछ मिल रहा है टेस्ट एंड क्लासेस अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू हैव नीड हेल्प इन स्टडी एनालिसिस एंड पेपर एनालिसिस एंड टाइम टेबल मेकिंग तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हो ठीक है दोनों के लिए कोड रहेगा आपका कोमल लाइव प्लस as well as iconic, कोमल लाइव को -E देना एक बार मैम कोड यूज किया है आई विल एड यू टू द टेलीग्राम ग्रुप स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स उसमें काम हम धीरे धीरे अलग अलग करते रहते हैं डाउट्स भी आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो फिर ठीक कोमल लाइव कोड यूज करके आप थर्टी अक्टूबर को होने वाले इस काउंसलिंग प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो वेर यू हैव टीचर्स एज वेल एज टॉपर्स विद यू टाइम टेबल स्ट्रेटजी ये सब कुछ शुड आई टेक अ ड्रॉप क्रैकिंग नीट ये नीट के साथ साथ और भी प्रिपरेशन कैसे करो हाउ मेनी स्टडी आर शुड यू फोकस पी वाई क्यू और एम सी क्यू कहाँ से करना है सारे क्वेश्चन आपके आंसर हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट कुछ बच्चे आइकॉनिक का पूछ रहे थे ज़्यादा डिटेल में तो दिस इज अबाउट आइकॉनिक लाइव डाउट क्लियरिंग मेंटोरिंग सेशन फिजिकल नोट्स आपके घर पर पहुंच जाएंगे प्लस के जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे ठीक है यू कैन ऑल्सो स्केड्यूल वन ऑन वन मेंटोरशिप सेशन अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे आप एक हफ्ता पहले डिसाइड कर सकते हो कि इस दिन बात करनी है डिस्कस करना है पहले से टाइम स्लॉट बुक कर लो अपना अपने मेंटर्स के साथ एंड टॉक टू देम डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड गेट अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर इट मेक श्योर कि 12 महीने से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लो तभी ये सारे चीज़ें वैलिड है ऑल द गेट ओनली वेन यू गो फॉर ट्वेल्व एंड अब ठीक है तो ज्यादा लेट नहीं करना प्लस के लिए यही रहेगा आपका प्राइस इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं पीछे भी ओमन लाइव एंड इफ यू वांट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस यू कैन ऑल्सो डायल ऑन दिस नंबर एंड टॉक टू एन अकेडमी टीम रिगार्डिंग इट वो आपको हेल्प भी कर देंगे बहुत सारे नए नए बैचेस आते हुए रेगुलरली नए बैचेस आते रहते हैं मैंने भी ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर दिया प्लस फिर मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देंगे हम कल से सो टुमारो आई एम स्टार्टिंग मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम 5 पीएम ट्रांसपोर्ट मिस भी हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मिनरल न्यूट्रिशन मिस मत करना इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप एग्जाम है कि नहीं मैम हम आप हमें कितना ही फ्री दे दो कितना ही कम अमाउंट दे दो लेकिन फिर भी हम सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो इतना कर लो कि 45 मिनट्स में 28 एट क्वेश्चन है आंसर है फोर्टी फाइव मिनट्स में कुछ नहीं जा रहा अगर प्रिपेयर हो तो आंसर करो स्कॉलरशिप लो और फिर आ जाओ प्लस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है दिस टेक्स प्लेस एवरी संडे इलेवन ए एम मॉर्निंग में ठीक है कोड विल बी कोमल लाइव डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको यूज द कोड फॉर ईच एंड एवरी थिंग कोड रिमेन सेम कोमन लाइव इज योर कोड और अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए कोमल लाइव कोड लेते हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो आई विल गाइड यू फ्रॉम माई एंड जितना भी हो सकेगा ठीक है अभी जस्ट एक बजे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में चैट बॉक्स में ही ऊपर पिन किया हुआ है उसको प्लीज फटाफट से लाइक करो उस पर क्लिक करो और आ जाओ क्लास में एक बजे वे स्टार्टिंग डिस्कशन जो डाउट्स होंगे आज की क्लास के वो भी कर लेंगे कवर और क्वेश्चन भी करेंगे अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रूट ओके सो लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टे हैप्पी स्टे हाइड्रेटेड स्टे सेफ आई विल सी यू इन क्लास जस्ट इन सिक्स मिनट्स बाय बाय टेक केयर